हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी को ज्योति डेली ब्लॉग में स्वागत है। तो फ्रेंड, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैं आ गई हूँ। हमारे घर के बगल में माता रानी का कीर्तन हो रहा था, जागरण एक आंटी है वो कर रही थी। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कितना ज़्यादा खूबसूरत सजाया हुआ है। माता रानी का मंदिर है और यहाँ पर देख सकते हो सभी आया है। माता रानी का आरती यहाँ पर हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा लग रहा है फ्रेंड। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ही माता रानी का बहुत मतलब जोरों जोरों से मतलब बहुत धूमधाम से यहाँ पर मतलब मनाया जाता है माता रानी का जो दिन होता है वो। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सब कोई डांस भी कर रहा था और बाहर बाहर से लोग भी आए हुए थे गाने के लिए। और बहुत सारा मतलब दीदी लोग भी डांडिया भी खेल रही थी, बट उस समय मैं नहीं आई थी फ्रेंड, क्योंकि उस समय मैं थोड़ा सा घर पे बिजी थी, काम कर रही थी, इसलिए मैं नहीं आ पाई। मैं अभी थोड़ा लेट से आई हूँ, अभी रात का 9 बज रहा था उस समय मैं आई थी। तब तक मतलब वो लोग डांडिया वांडिया करके नीचे चले गए थे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मम्मी कितना ज़्यादा मतलब अच्छा तरह से खुश होकर डांस कर रही है। तो भगवान का मतलब यहाँ पर आरती हो रहा था, तो वही गाना पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भैया लोग सब कोई डांस कर रहे थे। तो फ्रेंड, आप लोगों को मेरे तरफ से नवरात्रि का ढेर सारा शुभकामना। इसी तरह आप सब भी अपने अपने घर पे नवरात्रि मनाते होंगे। माता रानी से आप सभी अपने लिए अपने घर परिवार के लिए सुख शांति मांगते होंगे। आप लोगों से यही ये करते हैं। और आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर ही माता रानी कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, कितना सुंदर सजाया गया है माता रानी को। फ्रेंड, मैं यहाँ पर मैं भी डांडिया खेली थी, बस थोड़ा सा मुझे डांडिया खेलना नहीं आता, बट ये दीदी है ज़बरदस्ती मतलब बोल रही थी खेलने के लिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा खेली थी। और उस समय मैं इसका ब्लॉग नहीं बना पाई थी, क्योंकि थोड़ा ज़बरदस्ती मुझे टान के लेकर चला गया था, इसलिए मैं मतलब वीडियो नहीं कर पाई। तो उसके लिए आप सभी से सॉरी बोलती हूँ। और आप लोग देख सकते हैं वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मतलब सब कोई मिल के डांस कर रहा था। और इसके ऊपर मतलब भगवान माता रानी का भजन हो रहा था। इसके नीचे वाला जो घर था, तो उसमें मतलब थोड़ा खाना वाना जो भगवान का प्रसाद वरसाद वो सब मतलब खिला रहा था। और यहाँ पर देख सकते हो दीपिका को यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा खुश है। यहाँ पर ये भी डांस कर रही है, इसको भी मन कर रहा था डांस करने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मम्मी खड़ी हुई है, यहाँ रितिका। तो आई होप फ्रेंड आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा हमारा।